आज हम धर्म के 10 लक्षणों के अंतर्गत पहला लक्षण धृति। धृति का शाब्दिक अर्थ होता है धैर्य। सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो धैर्य तो एक गुण है, इसको धर्म से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन मनुष्य को धर्म के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए धैर्य रूपी गुण ही धर्म का पहला लक्षण बताया गया है। गत प्रसंग में मैंने धर्म के बारे में जो कहा उसमें धैर्य को पहला गुण बताया गया है, धर्म का पहला लक्षण बताया है धृति। धैर्य न होने से मनुष्य धर्म आचरण नहीं कर सकता। प्रकृति में 5 पदार्थ हैं, 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व मनुष्य को क्या सीख देते हैं कि धैर्य रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बिना धैर्य का व्यक्ति वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सर्वप्रथम मैं एक उदाहरण देता हूं, मनुष्यों ने फल फूल आदि अच्छे पदार्थों का सेवन करते हुए देख करके एक बंदर के समूह ने सोचा कि हम भी इन मनुष्यों की तरह कुछ पुरुषार्थ करके खुद ही इस प्रकार के बाग बगीचों को तैयार करके क्यों अच्छे सुंदर फल फूलों का, रसीले फल फूलों का क्यों सेवन न किया जाए। बंदरों ने एक नदी किनारे पर जाकर के रेतीली भूमि में आम की गुठलियों को रोपना प्रारंभ किया। लेकिन धैर्य के अभाव में आज रोपा और दूसरे दिन जाकर के देखा कि यहां पौधा क्यों नहीं बना, पेड़ क्यों नहीं उगा, हम कब फल को खाएंगे। उन्होंने खोद करके देखना शुरू किया, गुठली ज्यों की त्यों थी। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया दोहराया। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन करते करते गुठलियों के अंदर जो अंकुरित होने की शक्ति थी वो समाप्त हो गई और उसका अंकुर ही नष्ट हो गया, फलस्वरूप उनको कुछ भी नहीं मिला। यदि जितने दिनों तक उन्होंने गुठली को लगाने और बार बार देखने में समय व्यतीत किया, उतना समय यदि यह धैर्य धारण कर लिए होते तो गुठलियों से पौधा बन जाता और पौधा वृक्ष बन जाता और वृक्ष में फल लगते। प्रकृति के 5 पदार्थ भी हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। धरती, पृथ्वी कितना धैर्य को धारण की हुई है, इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं। कहीं बहुत अच्छा वातावरण है तो कहीं मरुभूमि की रेगिस्तान है, कहीं समुद्र किनारे पर खारा नमक है तो कहीं बहुत सुंदर सुगंध से भरपूर फूल फुलवाड़ियों के बगीचे इत्यादि, कहीं रसीले फल लगे हुए हैं, कहीं अनेक प्रकार के सुगंध से भरपूर वृक्ष लदे हुए हैं। न तो कहीं अधिक प्रसन्नता के मारे धरती अधीर हो जाती है, न तो कहीं दुख के कारण वो अपना स्वभाव छोड़ देती है। धैर्य के नाम पर ही पृथ्वी का उदाहरण दिया जाता है कि धरती के समान धैर्य बनो। जल हिमालय के श्रृंखला से जल प्रकट होता है और न जाने कितनी खाइयों में होते हुए, कई कंदराओं को भरते हुए, ठोकर खाते हुए समतल पर नदी के रूप में पहुंचता है और वही जल जाकर के समुद्र में पहुंचता है, अपने गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त करके एक विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है। यदि उसमें धैर्य न होता तो पहाड़ की श्रृंखला से निकलने वाला पानी का एक छोटा सा स्रोत कभी समुद्र में जाकर के विशाल स्वरूप धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार अग्नि का मूल स्रोत है सूर्य। सूर्य जब उगता है तब भी लाल रंग का होता है, डूबता है तब भी लाल रंग का होता है। ऋतुएं बदलती है,
कभी सर्दी पड़ती है कड़ाके की, कभी बहुत अधिक धूप काल होने से अत्यधिक गर्मी पड़ जाती है, लेकिन सूर्य तो सूर्य है, वो स्वयं ताप का स्रोत है, इसलिए वो इतना धैर्य रखता है अपनी धुरी पर, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपनी धुरी पर चलता है, इसलिए उस पर सभी विश्वास करते हैं। रात्रि होती है और फिर सवेरा होता है, सब लोग इंतजार करते हैं कि सूर्य उग आएगा और सबका विश्वास उस पर टिका हुआ है। इसी प्रकार वायु है, कहीं रेगिस्तान की मरुभूमि में भी वायु है, कहीं हिमालय के पर्वतों में भी वायु है। वायु हर जगह हर मनुष्य को, हर प्राणियों को प्राण प्रदान करती है, उनको जीवन देती है, इसीलिए वायु पर हर कोई विश्वास करता है कि पृथ्वी, इसीलिए प्रकृति चलती है, पृथ्वी चल रही है। उसके बाद आकाश, इन प्रकृति के पांचों पदार्थों पर, पांचों तत्व पर हर कोई विश्वास करता है, हर कोई, हर किसी को ये शिक्षा मिल रही है कि इन पांच तत्वों की तरह मनुष्य के अंदर भी एक धैर्य का गुण होना चाहिए, और जहां धैर्य नहीं है तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी महापुरुषों का जीवन देखिए, उनके जीवन में धैर्य बहुत ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि जहां धैर्य नहीं है अधीर हो जाते हैं हम, कहीं दुख मिलता है कहीं सुख मिलता है, तो उसमें दुख के कारण अधीर हो जाते हैं, तो कहीं सुख के कारण हम व्याकुल हो जाते हैं कि उस सुख को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, क्योंकि हमें इतना अधिक सुख मिला हुआ है, वो सुख भी हमें उस धैर्य को खोने के लिए बाध्य करता है, तो कभी दुख हमें बाध्य करता है। ये दुख और सुख दोनों चीज हमें इस धैर्य को डगमगाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन महापुरुषों को एक, जो अपने आप को एक उत्तम आत्मा स्वरूप समझते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, उनको हर स्थिति में इस धैर्य को कभी भी नहीं खोना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, ये संसारिक चीज है, ये हमारे जीवन में आती है और कुछ समय बाद चली भी जाती है। यदि पूरे जीवन में मौजूद भी रहे तो जीवन के पश्चात ये दोनों चीज रहती नहीं है। श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में एक चौपाई, बहुत सुंदर चौपाई आई है, उन्होंने कहा, दुख सुख डारो आग में ये जो झूठी माया के, पिंड न देखो ब्रह्मांड, सूरत राखो धाम धनी जे। हम अपनी सुरता को बहुत धैर्यता के पूर्वक सुख दुख का निवारण करते हुए धाम धनी के चरणों में, परब्रह्म के चरणों में केंद्रित रखें, ताकि हमारी सुरता हमारे लक्ष्य से कहीं दूर न हो जाए और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर ये धैर्य का गुण होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि धैर्य नहीं है तो अधीर व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता और अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी परमहंस हुए, महापुरुष हुए, उनके जीवन को देखिए। शंकर भगवान ने एक बार समाधि लगाई तो सैकड़ों वर्ष की समाधि लगाई, कहीं हजारों वर्ष की बात आती है। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत की समाधि लगाई, यदि उनके अंदर धैर्य न होता तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। हम कुछ समय धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, ध्यान साधना इत्यादि करते हैं, फिर उसके बाद अधीर हो जाते हैं कि मैंने इतना समय लगाया लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम ये नहीं सोचते, जिन हमारे पुराने संस्कारों को हमारे चित्त में जो अंकित हुआ है, वो संस्कार कब से संचय हो रहे हैं, इस चीज को हम नहीं सोचते। ये हमारा जीव सृष्टि के प्रारंभ से इस प्रकृति में विचरण कर रहा है और इसने न जाने कितने हजारों लाखों जन्म धारण किया है, कितने माताओं के कोख में इसने वास किया है, और कैसे कैसे लोगों की, पशु प्राणियों की कैसे कैसे संगति करके ये सब उसके अंदर संस्कार बन करके बैठा हुआ है। उस संस्कार को मिटाने के लिए और ब्रह्मचिंतन, ध्यान,
इस चीज से अपने हृदय में जो धर्म के संस्कार को बैठाने के लिए हमने कितना समय लगाया वो कुछ समय तो अवश्य लगता है। इसीलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य को धारण करते हुए यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो अवश्य हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा बिना धैर्य का व्यक्ति कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए पहला लक्षण ही धैर्य बताया गया, तो धैर्य को हमेशा धारण करना चाहिए। दुख सुख में कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से ही मनुष्य आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो ये हुआ धर्म का जो पहला लक्षण धृति यानी धैर्य, जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण करने के लिए उत्सुक होता है और धारण करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।